अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ वनीला स्पंज केक, जो बेसिक केक होता है, जिसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम मैदा लिया है, 100 ग्राम चीनी ली है, 4 अंडे लिए हैं, वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून। सबसे पहले हमने जो हमारा पैन है उसको हमने बटर पेपर लगाना है और अच्छी तरह उसको ग्रीस करना है। सबसे पहले स्टेप ये करना है। उसके बाद एग योक्स और एग वाइट को हम सेपरेट करेंगे और इन दोनों को हम अलग अलग बीट करेंगे। पहले एग वाइट को मैं बीट कर रही हूँ अच्छी तरह, जब तक इसके सॉफ्ट पीक्स ना बन जाए, यानी कि बिल्कुल एकदम ये फॉर्म शेप में ना आ जाए, इसको हमने इतना बीट करना है। मीडियम स्पीड पे हमें इसको बीट करना है। ये देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट बीट हो चुका है। और अब एग योक को हम बीट करेंगे और इसमें ही हम अपनी शुगर ऐड करेंगे। शुगर को जो मेरे पास शुगर थी उसको मैंने मिक्सर में इसको मैंने पाउडर शेप में कर लिया है। और एग योक के साथ हम इन दोनों चीज़ों को बीट करेंगे और एकदम फ्लफी हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें, तो फिर हम इन दोनों के बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। एग योक ये मेरी बीट हो चुकी है। अब मेरे पास जो मैदा है उसमें मैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है, उसको अच्छी तरह मिक्स करा है। और ये जो एग वाइट है इसमें मैंने वनीला एसेंस डाला है 1 टीस्पून, और ये जो एग योक है इसको भी हम मिक्स करेंगे इसमें एग वाइट में। इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा, कोई बटर नहीं जाएगा इस केक में। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, यानी कि फोर्स करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ घुमा घुमा के बीट करेंगे तो एग वाइट की जो फॉर्म है वो सारी बैठ जाएगी। इसलिए आपने इसको फोल्ड करना है और हल्के हल्के आपने अपना मैदा डालना है और अच्छी तरह इसको फोल्ड करना है कि सारी चीज़ें कंबाइन हो जाए अच्छी तरह और बहुत ही फ्लफी और स्मूथ टेक्सचर देखें मिल गया है ये हमें। अब मैं इसको हाफ हाफ बेक कर रही हूँ। पहले मैंने हाफ बैटर डाला है, ये देख इस तरह से ये एक मैंने बर्तन लिया है, देगची ली है, इसको मैंने प्री हीट कर लिया है 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। और हम इस केक को 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही बेक करेंगे। अच्छी तरह इसको कवर कर देंगे ढकना इसका। देखिए 25 मिनट्स बाद ही हमारा केक अच्छी तरह कुक हो चुका है। देखिए आप इसको चेक कर लें, बिल्कुल नाइफ जो है बिल्कुल क्लीन निकली, यानी कि परफेक्ट कुक हो चुका है। इस तरह से मैंने इसके दो केक बना लिए हैं। अब मैं इसकी थोड़ी आइसिंग कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप सादा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा करना चाह रही थी डेकोरेशन इसकी, तो मैं इसको बस रफली सा इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। व्हिप क्रीम है मेरे पास, एकदम मैं इसको रफली सा कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा एक लुक देता है। और मेरे पास स्ट्रॉबेरी से, उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरीज काट काट के इसको डेकोरेट किया है। बस ये हमारा केक रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।